हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी, दही भिंडी की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम भिंडी। भिंडी को धो लें पहले अच्छे से, 12 से 13 मिनट में सुखा लें। अच्छे से सुखाना, गीली रहेगी तो बेकार हो जाएगा। इस तरह से काट लें बड़ा पीस करके। छोटी है तो एक ही पीस करें, बड़े है तो दो पीस कर लें। इस तरह से काट लें सभी को। और दही भिंडी है तो भिंडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक छोटा कप दही। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, नहीं तो सब्ज़ी बहुत खट्टी हो जाएगी। इस तरह से एक कटोरी में दही ले लें एक कप। और इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च और धनिया पाउडर एक एक चम्मच मिक्स कर देंगे इसमें। इस तरह से मिक्स करके रख लें ताकि मसाले भीग जाएँ। और हम लेंगे दो बारीक कटे हुए प्याज, इस तरह से काट लें। और एक टमाटर बारीक करके काटें इसको भी। और तीन से चार हरी मिर्च, छः से सात कले लहसुन की बारीक काट लें। ये दही हमने इसमें मसाले मिक्स करके रख लिए हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हमने लिया है 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अच्छे से गर्म होने के बाद फुल फ्लेम पर इसको इसमें डाल दें भिंडी को। तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा और साथ ही 1 चम्मच नमक डाल दें ताकि फ्राई होने में भिंडी के अंदर तक नमक का टेस्ट चला जाए। इसको अच्छे से फ्राई करें, पलटते रहें। ये 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना पड़ेगा ताकि भिंडी अच्छे से गल जाए। इस तरह से मिक्स करते रहें इसको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा भिंडी फ्राई हो गया है, पक गया अच्छे से। अब हम इसको एक छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। छन्नी से निकालने में एक फ़ायदा है, हमारा तेल सभी कढ़ाई में निकल जाता है, ज़्यादा ऑयली नहीं रहता है। अब हम इसी तेल में डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। इस तरह से डाल लें। ये चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन। लहसुन को अच्छे से फ्राई करें। लहसुन और जीरा फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे जो 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई थी, उसको भी साथ में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इसको भी डाल लें। इसको भी थोड़ा अच्छे से फ्राई करें ताकि इसका जो तीखा बने वो थोड़ा कम हो जाए। अभी हमारा हरी मिर्च भी फ्राई हो गया। अब हमने इसमें डाल दिया है प्याज। ध्यान रहे प्याज को अच्छे से गलाना है, बहुत फुल फ्लेम नहीं करना है इसको, मीडियम फ्लेम में इस तरह से इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और साथ में चलाते रहें। इस तरह से हमारे प्याज का कलर अब चेंज होने लगा है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज आती रहती हैं। इस तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे, इसका भी जो कच्चा टेस्ट है वो चला जाए। इस तरह से फ्राई करते रहें, नहीं तो ये चिपक जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो ये प्याज है सभी अच्छे से कलर आ गया है, ब्राउन कलर हो गया है। इस तरह से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो रखना है, हाई फ्लेम पे मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं। ये फ्राई हो गए मसाले। अब हम डालेंगे कटे हुए टमाटर इसमें। इसको भी हम इसको में मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और टमाटर गलने लगे। अब हम डालेंगे इसमें फुल फ्लेम करके दही जो मिक्स करके रखा था।
ध्यान रहे दही में पानी ना मिलाएं, पानी मिलाने से दही में दाने बन जाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। दही में पानी बिल्कुल ना मिलाएं, इस तरह से फुल फ्लेम में चलाते रहें। पानी डाला तो खराब हो जाएगा, खट्टा ज़्यादा आता है। अभी इस तरह से उबाल आने लगा है, उबाल आने तक चलाते रहें। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई भिंडी। हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। ये इस तरह से अच्छे से मसालों में मिक्स कर लें ताकि भिंडी में अच्छे से मसाला लग जाए। एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे हम ऊपर से। 150 ml पानी मिलाएंगे हम इसमें। पानी मिला के 2 मिनट के लिए हम कवर करके ढक देंगे। दोस्तों हमारा भिंडी करी बनकर रेडी हो गया है। रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।